हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के कहर को मात देती एक माँ, एक ओर ममता की छांव और दूसरी ओर दोहरी ड्यूटी की ओर बढ़ते पांव। दो साल की बेटी के साथ कर रहे प्रवासियों की पूछताछ। मेरे दो साल की बेटी के साथ कोरोना के संक्रमण के लिए बाहर से आए प्रवासियों को घर में पूछताछ में थाने में निगरानी दी थी और अपने बच्चों की अपनी माँ का प्रेस दिलवा रही हूँ। कोरोना को हराने में लगे वॉरियर्स में एक महिला योद्धा ऐसी भी है जो दोहरा फर्ज अदा कर रही है। एक ओर ये अपने सीने से दो साल की मासूम बच्ची को लगाए हुए धूप में उसे ममता की छांव दे रही है तो दूसरी ओर अपनी ड्यूटी भी अदा कर रही है। कोरोना को मात देने के लिए ये दोहरी ड्यूटी भी निभा रही है। पहले ये पुलिस थाने में 6 घंटे तक तैनात रही है। इसके बाद स्कूटी पर अपनी 2 साल की मासूम बेटी को लेकर बाहर से आए प्रवासियों का सर्वे करने में जुटी है। इस माँ के जज्बे की कहानी बता रहे हैं जहाँ कोरोना को लेकर पूरी दुनिया डर में है, वहीं इस कठिन से कठिन दौर में खुद की व 2 वर्षीय मासूम की जान जोखिम में डालकर दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रही है। ये महिला बीट कांस्टेबल ये ऐसे कर्मवीर हैं जो दिन रात सेवा में जुटे हैं। ये कहानी उस कोरोना फाइटर की है जो खिंडवाड़ा थाना में कार्यरत बीट कांस्टेबल विमला बिशोई जो दोहरा फर्ज निभा रही है। एक तरफ संक्रमण के खतरे के साथ ड्यूटी है तो दूसरी तरफ 2 वर्षीय बेटी प्रियांशी का फर्ज। ना ड्यूटी के फर्ज से पीछे हट सकती है, ना ही प्रियांशी की डोर छोड़ने को तैयार है। जालौर जिले के सांचौर के पास पूर गांव की रहने वाली है। उसके पति ओम प्रकाश बिशोई भी इसी थाने में पुलिस कर्मी है। खिंडवाड़ा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।